बुरहानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद स्थानीय कांग्रेसियों में खासा विरोध देखा गया और इसी के चलते नगर निगम के 23 पार्षदों ने एक साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सौंपा। सूत्रों के अनुसार बुरहानपुर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 68 प्रत्याशियों की घोषणा की और इसके बाद बुरहानपुर में शेरा का नाम भी घोषित किया गया। शेरा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। जब इस संबंध में कांग्रेस के महासचिव अजय रघुवंशी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, जिन्होंने 2018 के चुनाव में निर्दलीय कांग्रेस के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा था और सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद काजी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को यहां से टिकट ना दिया जाए जिसके खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हो, और हमें विश्वास है कि हाई कमान इसके ऊपर गौर जरूर करेगा। नगर निगम में 23 कांग्रेस के पार्षद थे और पूरे पार्षद साथियों ने, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसने सबसे पहले कांग्रेस सरकार गिराने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस का साथ नहीं था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था और 1.5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में एक भी किसी पार्षद के लिए काम करने का काम नहीं किया। तो जो जनभावनाओं के साथ जनता ने जिताया था कि ये कांग्रेस की पार्षद भाइयों ने, आज हम तीनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व विधायक रवीन महाजन, प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और मैं, हमारे पास इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। बड़े दुख के बाद इन्होंने इस्तीफा सौंपा है कि बुरहानपुर अल्पसंख्यक शहर था, बहुसंख्यक भाइयों की मांग थी कि अल्पसंख्यक को ही टिकट दिया जाए। दोनों समाज कल कांग्रेस की जो 28 विधायकों की सूची आई उसमें हमने शुरू से इस संगठन के माध्यम से और हमारे सब जितने भी वरिष्ठ लोग हैं पार्षदों के जरिए हमने अल्पसंख्यक उम्मीदवार की डिमांड किए थे, जिसमें हमारे डॉक्टर फरीद काजी, नूरुद्दीन काजी और हमारे रफीक भाई, इनका नाम था। हमारी मांग ये थी कि चूँकि हमारे यहाँ पे 100 लाख मुस्लिम मतदाता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पे माइनॉरिटी का उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन पार्टी ने एक निर्दलीय विधायक को